सात संगत जी प्यार से कहना धनंकार जी, सात संगत जी आज से एक नए साल की शुरुआत हो रही है। एक ओर जहां सारी दुनिया में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, वहीं साथ ही ये उम्मीद भी कर रहे हैं कि आने वाला साल अच्छा बीते। निरंकार ही वास्तव में आनंद का स्रोत है और नए साल को आनंदमय बनाने का एकमात्र रास्ता भी यही है कि हर एक पल निरंकार को समर्पित होकर बिताया जाए। संत महात्माओं के बताए हुए मार्ग पर चलकर ही हम अपनी और अपने आसपास रहने वालों की ज़िंदगी बेहतर और खुशनुमा बना सकते हैं। एक बार बाबा जी ने फरमाया था, मे वी ऑल बी देयर फॉर वन अनदर एज फेलो मेम्बर्स ऑफ ह्यूमैनिटी। हम आज नए साल के इस अवसर पर ये प्रण करें कि अपने जीवन को बाबा जी के विचारों और शिक्षाओं के अनुसार जिएंगे। प्यार, मिलवर्तन, शांति और एकत्व का जो संदेश बाबा जी हमेशा देते रहे, वो हमारे बोलों और काम में प्रकट हो, ताकि हम बाबा जी की शिक्षाओं को संपूर्ण मानव जाति तक पहुंचा सकें। सात संगत जी, आज राजमाता जी का जन्मदिन भी है। हम सभी जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी सभी के लिए एक प्रेरणादायक रही। उन्होंने एक ऐसी ज़िंदगी जी जो सतगुरु को समर्पित होने के साथ साथ मानवता के लिए भी कल्याणकारी रही। राजमाता जी का जीवन आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। हम सभी उनके दिव्य गुणों को जीवन का आधार बनाकर उनके जीवन से प्रेरणा लेते रहें। अंत में निरंकार प्रभु से यही प्रार्थना है, इस नए साल में जहां सभी दया, करुणा, प्रेम जैसे गुणों से युक्त हों, वहीं स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी।